Hey guys and welcome back to another video. Tata finally launch करने वाली है अपनी Tata Nexon का facelift variant. अब ये variant काफी ज्यादा anticipated है Indian market में. सब लोग इसका बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ी multiple time hilly areas में spot करी गई है camouflage में. और Nexon facelift variant के exterior interior even आपको एक new engine मिल रहा है. ये गाड़ी काफी ज्यादा शानदार अपडेट पाने वाली है और सेफ्टी फीचर्स भी बढ़ने वाले हैं. टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट आपको इन टोटल पांच वेरिएंट मिल जाएगी, XE, XM, XME, XZ प्लस और XZE प्लस. इसमें XZE प्लस आपका होगा टॉप मॉडल, XE होगा आपका बेस मॉडल. अब बात करते हैं गाड़ी की साइजिंग के बारे में. इस गाड़ी की लेंथ हो जाएगी आपकी 3994 mm की, विड्थ हो जाएगी आपकी 1811 mm, हाइट हो जाएगी आपकी 1609 mm. गाड़ी का व्हील बेस हो जाएगा आपका 2498 nm का और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा आपका 209 mm. गाड़ी का फ्यूल टैंक रहेगा आपका 44 लीटर्स का और बूट स्पेस हो जाएगी आपकी 350 लीटर्स. गाड़ी काफी ज्यादा सही साइज में आ रही है बट साइजिंग में उतना ज्यादा चेंज आपको नहीं दिख रहा है. गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर लो तो ये गाड़ी आप स्टार्ट होगी अप्रोक्सीमेटली 9 लाख से. इसका टॉप एंड मॉडल जाएगा आपका 14 लाख तक. और गाड़ी की लॉन्च की बात करूँ तो ये गाड़ी अगस्त 2023 तक आपको देखने मिल सकती है इंडियन मार्केट. अब चलते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शन के ऊपर. पहली बात, इस गाड़ी में आपको सेम इंजन फॉर्मेट मिल रहा है बट अपडेटेड मिल रहा है. पहला हो जाएगा आपका 1.2 लीटर का डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर वाला, जो कि प्रोड्यूस करेगा पावर आपकी 125 bhp के साथ ही साथ 225 nm का टॉप. इसकी पेयरिंग होगी आपकी एक 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ और एक 6-speed CVT गियर बॉक्स के साथ. सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन पुराने वाला, जो कि प्रोड्यूस करेगा पावर आपकी 115 bhp की साथ ही साथ 260 nm का टॉप. इसकी पेयरिंग भी आपकी 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स और एक CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ होगी. अभी ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में मिलेगी और हो सकता है आगे चल के आपको एक ईवी वेरिएंट में मिल जाए, लेकिन वो थोड़ा सा थोड़ा एक्सपेंसिव चलेगा. अब बात करते हैं गाड़ी के लुक्स के बारे में. गाड़ी के लुक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं. आप कैमोफ्लेज से पहले ही देख सकते हैं कि गाड़ी में एक्सटीरियर में काफ़ी फ्रंट में मिल जाएगी आपकी ब्लैक आउट ग्रिल, उसके ऊपर रहेगी आपकी टाटा की बैचिंग. टाटा ने अभी भी अपना स्प्लिट LED डिज़ाइन रिटेन किया है. आपको एक न्यूली शेप्ड DRL हेडलैम्प्स मिल जाएंगे. सामने की तरफ आपको एक न्यू एडास का फीचर ही मिल रहा है, उसका रडार मिल जाएगा. साइड प्रोफाइलिंग की बात करूँ तो इसमें आपको सर्कुलर व्हील आर्चेस मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको 16 इंच के डायमंड कटेड अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे. गाड़ी मेरे ख्याल से न्यू कलर फॉर्मेट्स में भी आएगी और अब हो सकता है इस गाड़ी में एज अ स्टैंडर्ड आपको ब्लैक कलर भी मिल जाए और अलग से डार्क एडिशन ना लेना पड़े. गाड़ी के ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाएंगी और साथ ही साथ एक सनरूफ मिल जाएगा. गाड़ी के बैक साइड में सबसे ज़्यादा चेंजेस आने वाला है. पहले भी देखा जाए तो उस गाड़ी के बैक साइड को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है कि इसका बैक प्रॉपरली हिडियस दिखता है. पीछे से मेरे ख्याल से आपको जैसे कर्वी में एक स्ट्रिप LED लाइटिंग है वो आपके टेल लैम्प से कनेक्टेड होकर मिल जाएगी और CC की तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे. ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा. तो ये गाड़ी एक्सटीरियर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड फॉर्म में आने वाली. अब बात करते हैं गाड़ी की इंटीरियर के बारे में. इंटीरियर में सबसे बड़ा चेंजेस ये आने वाला है, आपका इंटीरियर प्रॉपरली चेंज होने वाला है. जैसा कि आपको अभी टाटा कर्वी में देखने मिलता था ना, सिमिलर टाइप के इंटीरियर उसमें मिलेगा. आपको एक सिंगल स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलेगा जिसमें रहेंगे आपके स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल. दो स्प्लिट LEDs मिलेंगी, कनेक्टेड नहीं रहेंगी, जो कि रहेंगे आपकी 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आपको मिल जाएगा आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और GPS नेविगेशन सिस्टम टाटा की तरफ से. गाड़ी में फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, एक सनरूफ भी मिल रहा है और साथ ही साथ गाड़ी का इंटीरियर आपको मल्टीपल कलर फॉर्मेट में मिल जाएगा. मेनली आपको ये कलर में ब्लैक, टैन और हो सकता है ब्लू कलर में देखे, जिसमें आपको टाटा कर्वी दिखी थी. तो ऑल ओवर इस गाड़ी का इंटीरियर पूरा फेसलिफ्ट वेरिएंट में आ रहा है. देखा जाए तो इसमें हर चीज़ बदल गई. पहले आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था वो 7 इंच का मिलता था, अब 10.25 इंच का, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है. अब चलते हैं गाड़ी की सेफ्टी के बारे में. पहली बात, ये गाड़ी टाटा मोटर्स की है तो सेफ्टी का तो सवाल ही नहीं होता. गाड़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी, ये गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस पर ये पहली थी, जो कि है टाटा की तरफ से X1 प्लेटफॉर्म. और अब इस गाड़ी की सेफ्टी बढ़ाने के लिए इस गाड़ी में एज अ स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग मिलेंगी. गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है और एक और चीज़ मिल रही है इस गाड़ी में, जो कि रहेगा आपका एडास. एडास होता है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम. ये आपको और आपकी फैमिली को सेफ रखने में काफ़ी ज़्यादा काम है. इस चीज़ के अंदर मल्टीपल चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि फ्रंट कोलिजन वार्निंग, बैक कोलिजन वार्निंग, 360 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन असिस्ट, लेन चेंजिंग असिस्ट और वन ऑफ द बेस्ट चीज़ हो जाएगी आपकी इमरजेंसी पेडेस्ट्रियन ब्रेकिंग. इन शॉर्ट, गाड़ी के सामने अगर कोई चीज़ आती है तो ये गाड़ी खुद रुक जाएगी और आपको अलर्ट दे देगी. ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, ये वॉल्वो की तरफ से लाई गई थी इंडियन मार्केट में पहली बार. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इफ यू आर न्यू हियर जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और ईमेल मी. ओके,
बाय, पीस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।